हेलो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जी के मेरा नाम है प्रांशुली शर्मा और आज मैं यहां पे फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर को यहां पे डिस्कस करूंगी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि बायोड्रम रिफर्स टू बायोड्रम इज़ अ बायो फिल्टर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ प्रोडक्टिव सॉइल व्हाट शुड बी द फास्फोरस लेवल मतलब जो हमारी प्रोडक्टिव सॉइल होती है उसका जो फास्फोरस लेवल क्या होता है आंसर है हमारा थ्री टू सिक्स एम जी पर ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू कलर ऑफ सी वाटर इज़ ड्यू टू सी वाटर का ब्लू कलर क्यों है आंसर है हमारा स्कैटरिंग इफेक्ट्स ऑफ लाइट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ़ टेम्परेचर सेलिनीटी इंक्रीज वॉट विल हैपन टू डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर यदि टेम्परेचर सेलिडिटी क्या हो रही है इनक्रीज हो रही है तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्राइकोडेशमियम काज किल्स द फिशेज एंड अदर ऑर्गेनिज्म तो जो ट्राइकोडास्म सॉरी जो ट्राइकोडास्मियम होता है वो क्या करता है फिश एंड अदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं किल करता है किसकी वजह से आंसर है हमारा रेड टाइड की वजह से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन इज ऑप्टेन फॉर्म क्लोरोटेट्रोसाइक्लिन क्या ऑप्टेन करता है आंसर है हमारा बैक्टीरिया ओके नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मदर ऑफ प्रोबायोटिक्स किसे बोलते हैं मदर ऑफ प्रोबायोटिक्स इज लैक्टोबैसिलस ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट इज एडोफिक फैक्टर तो आंसर है हमारा शॉइल नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर कंसीडर सुटेबल फॉर फिश फॉर्म ठीक है तो फिश फॉर्म के लिए फ़िश फॉर्म के लिए सुटेबल सॉइल कौन सी है आंसर है हमारा क्ले लोम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉइल सुटेबल फॉर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी सुटेबल सॉइल्स uh, होती है मतलब कैसी सॉइल uh, की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या क्या होनी चाहिए आंसर है हमारा हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ठीक है प्रीवियस टू सी पेच न्यूट्रेंट रिच ऑल ऑफ दंसर आएगा हमारा ऑल दब बिकॉज एक पॉन्ट कंस्ट्रक्शन के लिए सॉइल की ये तीनों ही uh, विशेषताएं होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द मॉइस्ड इफ द मॉइस्चर नीडेड सैंपल ऑफ द सॉइल इज रोल्ड इन टू द चैनल सॉरी इन टू एंड देन बेंट इन टू एंड यू शेप ड्रिंक सच एड

क्वालिटी सोर्स क्वालिटी सोर्स ऑफ वाटर ऑल ऑफ दी अबब तो आंसर करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबब नेक्स्ट है आइडियल पी एच ऑफ सॉइल इन पॉन्ड शुड बी तो जो सॉइल पॉन्ड की जो सॉइल होती है उसका आइडियल पी कितना होना चाहिए तो आंसर है हमारा आंसर है हमारा सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल पी एच ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स शुड बी तो पी एच पॉन्ड्स का जो वाटर होता है उसका आइडियल पी एच कितना होना चाहिए आंसर हमारा सेवन पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट फाइव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कलिनिटी ऑन पॉन्ड्स इज कॉज ड्यू टू पॉन्ट्स की जो एल्कलिनिटी होती है वो किससे कौ, किससे कॉज होती है आंसर है हमारा कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स तो आंसर आएगा बोथ ए एंड सी बी ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा इज कॉल्ड द रिजर्वायर ऑफ सीओ टू इन पॉन्ड पॉन्ड की जो सीओ टू होती है रिजर्वायर में उसको हम बोल क्या बोलते हैं किसके कार्बोनेट्स ओके फिर आता है हार्डनेस ऑफ वॉटर इज हार्डनेस ऑफ वॉटर इज अज टू डाइवाट कैटाइंस आंसर आएगा बोथ ए एंड बी फिर इफ़ द डायमीटर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज़ लेस देन ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम ऑफ द सॉयल विल बी तो आंसर यदि डायमीटर सॉइल का जो डायमीटर्स होता है पार सॉइल पार्टिकल का जो डायमीटर है यदि वो लेस देन जीरो पॉइंट जीरो एम एम है तो सॉइल क्या होगी तो सॉइल होगी हमारी क्ले ओके फिर आएगा लाइमिंग हेल्प्स इन द फॉलोइंग जो लाइमिंग होती है वो हेल्प करती है किस चीज़ में तो आंसर है हमारे पास ऑप्शन हैं न्यूट्रलाइज द एसिडिक पी एच स्लाइटली एल्कलाइन लेवल इंक्रीज एल्कलिनिटी एंड हार्डनेस हैज़ प्रोफाइलेटिक इफेक्ट्स ऑल ऑफ द एवब तो आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ द एवब नेक्स्ट है पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉन्ड दैट इज रेज अराउंड द इम्यूनो इम्यूनबेंट ऑफ कंटेन आर द आंसर आएगा इसका डाइक ठीक है फिर है डिफरेंस बिटवीन ड्रेनेबल एंड अनड्रेनेबल पॉइंट लाइज इन तो ड्रेनेबल और अनड्रेनेबल जो पॉइंट्स होते हैं उसके उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है आंसर है हमारा बहुत ए एंड बी प्रोविजन ऑफ इनलेट एंड आउटलेट एंड स्पेयर स्लोपिंग ऑफ पॉन्ड बॉटम ठीक है फिर आएगा आइडियल स्लोप ऑफ पॉन्ड इन केस इज बिल्ड विथ क्लेइस ऑयल इज़ ठीक है आइडियल स्लोप ऑफ जो पॉन्ड का जो आइडियल स्लोप होता है किस केस में बिल्ट द क्लेश ऑयल में तो आंसर आएगा उसका टू इज़ टू वन ठीक है सो नेक्स्ट पे चलते हैं हम तो हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डोलामाइट कनेक्ट्स करेक्ट्स द आंसर है हमारा ऑल ऑफ द मतलब एल्क्निटी हार्डनेस ना पी एच इन सबके लिए फिर नेक्स्ट है द लाइमिंग ऑफ एफिशियंसीज हाइएस्ट है ठीक है उसकी लाइमिंग की एफिशियंसी हाइएस्ट किसमें होती है क्वेक लाइम में ओके आंसर आएगा हमारा क्विक लाइम फिर नेक्स्ट है कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया इन वाटर बियड दिस टॉक्सिक टू फिश तो आंसर है हमारा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन पी पी एम ठीक है फिर उसके बाद है कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन द पॉन्ड बॉटम शुड बी तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसके पॉन्ड पॉन्ड बॉटम का कंसनट्रेशन क्या होता है आंसर है हमारा जीरो पेपीएम ठीक है फिर आएगा बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम केट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आंसर है डोलोमाइट्स ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी एडेड टू कैन बी एडिड टू ब्रिंक डाउन द पी एच ऑफ एंड अल्कोलाइन सॉइल तो आंसर है हमारा उसका अमोनियम सल्फेट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉलोइंग सब्सटेंसेज कैन बी एडिड इनक्रीज द पी एच एंड एसिडिक सॉइल ठीक है तो उसका आंसर है हमारा डी लाइम अमोनिया नाइट्रेट जियोलाइट्स ठीक है तो आंसर आएगा बहुत ए एंड बी लाइम एंड अमोनियम नाइट्रेट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन इन पॉन्ड वाटर्स आर प्रोपोर्शनल ठीक है तो जो टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन होते हैं पॉन्ड वाटर के क्या होते हैं इनवर्सली प्रपोर्शन्स होते हैं ठीक है थीके? फिर विच इज़ द विच इज़ कॉल्ड एज द मदर ऑफ़ प्रोबायोटिक्स ठीक है तो जो मदर ऑफ़ प्रोबायोटिक्स होती है उस मदर ऑफ़ प्रोबायोटिक्स हम किसे बोलते हैं आंसर है हमारा लैक्टिक एसिड एंड बैक्टीरिया को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन मैरीन ब्लू ग्रीन एल्गी रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग रेड टाइड्स तो जो कॉमन मैरीन ब्लू ग्रीन एल्गी है वो रिस्पांसिबल होती है रेड रेड टाइड्स को कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होती है तो उसका आंसर है हमारा सी ठीक है ट्राइकोडेशमियम स्पीशीज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉटम सोइल सैंपलर ठीक है बॉटम सोइल सैंपलरस को चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं एकमान ग्राफ का फिर फिनोमिना ऑफ बायो मैगनी इज़ शोन बाई बायो मैगनी बायो मैग्नीफिकेशन का जो फिनोमिना होता है उसको हम किसे शो करते हैं हैवी मेटल्स से ठीक है सो नेक्स्ट आएगा हमारा द डेवी द एलिवेशन ऑफ वाट द एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल ड्यूरिंग टाइड्स फ्रॉम मीन सी लेवल इज़ कॉल्ड ठीक है जो एलिवेशन ऑफ वाटर्स होते हैं उसको हम जो टाइट्स में तो सी लेवल से उसको बोलते हैं टाइडल एम्पलीट्यूड्स, सॉरी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स इन पॉन्ट्स ड्यू टू तो ओवर फर्टिलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो जो फॉर्मेशन होता है कि इसका एल्गल ब्लूम्स का पॉन्ट्स में तो उसको ओवर फर्टिलाइजेशन उसका एग्जाम्पल है हमारे पास बायोलॉजिकल ठीक है नेक्स्ट आएगा फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल पॉल्यूशन ठीक है तो केमिकल पॉल्यूशंस का एग्जाम्पल क्या है आंसर है अपने पास सॉरी डिसीज आउटब्रेक ठीक है फिर है सीवेज इज जनरली रिच इन सीवेज जनरली क्या रिच करता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड ऑल ऑफ दी अबब ठीक है आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबब फिर आता है सीवेज कंटेन्स वाटर सीवेज कंटेन करता है वाटर्स को कितना एट्टी फाइव टू नाइंटी फाइव परसेंट ओके फिर है फॉलोइंग इज अ डिसीज कॉज इन पैथोजल्स रिलेटेड टू ह्यूमन ऑफ एंड फाउंड इन सीवेज आंसर है हमारा फीकल स्ट्राप्टोकोकाय नेक्स्ट है विथ इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन द पॉन्ड बॉटम बी ओ डी ऑफ दी पॉन्ड आंसर आएगा हमारा इंक्रीज ठीक है तो यदि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो जो पॉन्ड बॉटम बी होगी पॉन्ड की वो क्या हो जाएगी वो भी इंक्रीज हो जाती है ठीक है उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है कंट्रोल ऑफ अमोनिया इन पॉन्ट्स बाय कल्चरिंग एजोला इन एग्जाम्पल ऑफ तो अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए हम एजोला का कल्चर करते हैं ठीक है तो किसका एग्जाम्पल है आंसर बायो रेमिडिएशन का फिर सी आर जेड वॉज सेटअप इन दर सी आर जेड कौन सी ईयर में आया था आंसर हमारा नाइन्टीन नाइन्टी वन में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी आर जेड इज डिवाइडेड इंटू सी आर जेड को हम फोर फोर जोन्स में डिवाइड करते हैं ओके okay? ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल इन पॉइंट्स मैक्सिमम एट तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल होता है पॉइंट्स का मैक्सिमम कितना होता है आंसर हमारा फोर पी एम फिर नेक्स्ट ट्यूना मैक्रल एंड सार्स आर एसोसिएटेड विथ जो ट्यूना मैक्रल एंड सारोशिएटेड होती हैं कहा से इसको पॉइजनिंग से ठीक है फिर है बायो फर्टिलाइजर आर रिप्रेजेंटेड बाय जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ से ब्लू ग्रीन एल्गी राइजोबियम एजोला ऑल ऑफ द एवब आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ द एवब ठीक है फिर है क्वेश्चन स्कॉम्ब्रॉयड पॉइजनिंग इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ जो इस्कब्रॉयड पॉइजनिंग होती है आ, उसको वो किसका कन्वर्जन है आंसर है हमारा हिस्टिडी हिस्टीडाइन एंड हिस्टाडाइन सॉरी हिस्टेडाइन एडमिन फिश फ्लैश इज रिच इन फिश फ्लैश का रिच क्या होता है प्रोटीन्स भी रिच होता है उसमें प्यूफा भी होता है पोलियन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिनरल्स तीनों चीजें जो होती है उसमें रिच होते हैं आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ क्वेश्चन था इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल वॉइल चूजिंग फर्टिलाइजर्स ठीक है तो जो सॉइल का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसको हम फर्टिलाइजर्स चूज करते हैं सी एन रेशियो ठीक है फिर आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेलुलोज का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है आंसर है हमारा ग्लूकोज फिर ए फूड चेन सोज फूड चेन क्या सो करते हैं वन पॉसिबल पाथवे फॉर एनर्जी नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स आर इम्पोर्टेंट टू इको सिस्टम बिकॉज दे जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या होते हैं इम्पॉर्टेंट्स होते हैं इको सिस्टम के लिए क्योंकि उसका आंसर आएगा मेक न्यूट्रंस एवेलेबल टू प्रोड्यूज टू यूज ठीक है फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ अमाउंट ऑफ बायो मास प्रोड्यूस करता आंसर आएगा हमारा हर्बी बोरस डेट्री बोरस एंड कार्निबोरस ठीक है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर कंटेनिंग ऑफ अमीनो एसिड तो जो सल्फर अमीनो एसिड सल्फर कितना कंटेन करता है आंसर है हमारा मीथोनिट सिस्टेन ठीक है बोथ ऑफ दी एवम नेक्स्ट प्रोटीन कंटेंट ऑफ फिश मशल इस फिश मशल का प्रोटीन कंटेंट कितना होता है फिफ्टीन टू ट्वेंटी फोर परसेंट फिर द मोस्ट एबेंडेंट इलेक्ट्रोलाइट इन दी बॉडी ऑर्गेनिज इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो आंसर है हमारा क्लोराइड ठीक है है इसका आंसर फिर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन प्रोड्यूज ठीक है वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का वन कॉम्प्लेक्शन प्रोड्यूस करता है थर्टी एट ए मॉलिक्यूल्स को फिर आता है ग्रीन वॉट ग्रीन प्रोडक्ट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड इन जो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी अचीव करते हैं कौन शॉर्ट फूड चैन ठीक है नेक्स्ट पे देखते हैं हम फ़िश प्रोटीन आर रिच इन फ़िश प्रोटीन रिच होता है, है में आंसर है हमारा लाइसिन फिर द गट पी एच इन फिशेज ड्यूरिंग डाइजेशन इज रिड्यूज इन द सिक्रीशन ऑफ आंसर है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ द रेट एट विच रेडियंट एनर्जी इज स्टोर्ड बाई प्रोड्यूजर्स ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज इफ़िशियंट इन तो जो प्रोटीन एंड लिपिड्स का जो डाइजेशन होता है वो इफिशियंट होता है क्या में कार्वोरस फिश में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पलेंगटॉनिज प्लेंगटॉन्स क्या है प्लेंगटॉन्स एक रेड एल्गी भी है और फ्लोटिंगफ्योना भी है एंड लार्ज ऑर्गेनिजम से और क्या है पैसिवली फ्लोटिंग ऑफ ड्रिफ्टिंग फ्लोरा ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो इसका आंसर ये आएगा पैसिवली फ्लोटिंग ऑफ ड्रिफ्टिंग फ्लोरा ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन लीड्स टू द लीड्स टू द रिलीज ऑफ ठीक है जो कैटाबोलिज्म प्रोटीन कैटाबोलिज्म होता है प्रोटीन का वो लीड्स करता है रिलीज ऑफ आंसर है हमारा अमोनिया नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूट लॉयलिटी कॉन्स्टिट्यूट आंसर है हमारा पॉपुलेशन नेक्स्ट है प्राइमरी हीमोपोटिक ऑर्गेन ऑफ फिश और जो प्राइमरी होम्योपेटिक ऑर्गन होता है फिश का उसका आंसर है हमारा हेड किडनी एंड थाइमस ठीक है सो नेक्स्ट पर हम देखेंगे द सेल द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन तो जो ग्राम पॉजिटिव सेल मेम्बरेन की जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो क्या कंटेन करती है आंसर है हमारा ओनली पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर्स को नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लोइंग इकोसिस्टम ठीक है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास प्रोड्यूजर्स हर्बी बोरस ठीक है प्रोड्यूजर्स हर्बी बोरस कार्निबोरस एंड डीकम्पोजर्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट ऑक्सीजन कंज्यूमिंग ऑर्गेनल ऑफ द सेल तो ग्रेटेस्ट ऑक्सीजन कंज्यूमिंग ऑर्गेन ऑफ सेल कौन है आंसर है हमारा माइटोकॉन सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीट एक्टिविटी एंजाइम इज टर्म्ड एज जो कंप्लीट कंप्लीट एक्टिव एंजाइम उसको उस टर्म को बोलते हैं होलो एंजाइम्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट्स का जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिड एनर्जी में भी ट्रांसफर फ्राम वन टाइप टू एनदर दोनों क्वेश्चन आंसर के सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं फैटी फैसिड आर रिप्रेजेंटेडिप फॉर्मूला आर सी डबल आर एल ग्रुप ठीक है इसका आंसर आएगा हमारा एल किल ग्रुप चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम द फैटी एसिड्स इज नॉट सिंथिसाइज ठीक है जो फैटी एसिड्स होते हैं इज़ नॉट सिंथिसाइड बाई द बॉडी इज कॉल्ड आंसर आएगा हमारा एसेंशियल फैटी एसिड्स हार्बी बोरस और कॉल्ड हार्बी बोरस जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं फिर पेप्सिनोजन इज सिक्रीटेड बाय तो आंसर है इसका हमारा स्टमक फिर है ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन उसके बाद है द फैटी एसिड्स दैट द फैटी एसिड्स दैट इज़ नॉट बाय बाई बॉडी इज कॉल्ड तो जो फैटी एसिड्स होते हैं वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं उसको बोलते हैं हम एसेंशियल फैटी एसिड्स फिर हरबी बोरस क्या होते हैं हरबी बोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं फिर पैप्सिनजन जो होता है वो सिक्रीट करता है क्या पैपसिनोजन uh, जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं स्टमक स्टमक में ऑसमोसिस जो होता है मूवमेंट होता है लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन ऑर्गेनिज्म लिविंग द बॉटम इज आंसर हमारा बैंथोज न्यूस्टन नेक्टन एन ऑफ द आंसर तो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा बैंथोज ठीक है फिर द गोनाडोट्रॉफिन इज अ गोनाइडोट्रोफिन क्या है गोनाइडोट्रोफिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन ठीक है नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी इज मेजर्ड बायोडाइवर्सिटी इज मेजर्ड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर करते हैं किससे तो आंसर है हमारा सी वेराइटी ऑफ स्पीसीज विद इन एंड इकोसिस्टम फिर व्हाट आर द मोनोसाकराइड्स कंपोनेंट्स ऑफ द मिल्क डाइसैकेराइड्स लैक्टोज ठीक है तो इसका आंसर आएगा हमारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट व्हाट इज द बायोसिंथेटिक प्रिकॉशन ऑफ कीटोन बॉडीज ठीक है तो जो कीटोन बॉडीज के जो बायोसिंथेटिक प्रिकॉशंस क्या होते हैं आंसर है हमारा एसिटाइल को एंजाइम ए फिर ब्लैक कलर ऑफ पॉइंट मड इज ड्यू टू पॉइंट का जो ब्लैक कलर हो तो किसके प्रेजेंस में होता है तो आंसर है हमारा हाई ऑर्गेनिक लोड की वजह से ठीक है फिर हु फर्स्ट डिटरमाइंड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन मतलब फर्स्ट uh, टाइम पे इंसुलिन के स्ट्रक्चर को किसने ने, ने डिटरमाइन किया था तो आंसर है हमारा सेंगर ने फिर विटामिन बी टू इज आल्सो नोन एज आ राइबोफ्लेविन ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमम डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर फिश कल्चर इज तो ऑप्टिमम डिजोल्व ऑक्सीजन है फिश कल्चर्स के लिए कितनी होनी चाहिए बिटवीन फाइव टू सिक्स पी पी एम या फिर क्रिस्टल वॉलेट इज यूज इन क्रिस्टल वॉलेट का हम यूज करते हैं एज का लिए पॉजिटिव स्टेंस के लिए ओके फिर है नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट इज नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या है आंसर आएगा अल्फा टोकोफेरॉल ऑप्टिमम पी एच रेंज फॉर कल्चर कार्प कल्चर की ऑप्टिमम पी एच रेंज कितनी होती है आंसर है हमारा सेवन पॉइंट जीरो टू सेवन पॉइंट फाइव फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिगमेंट्स फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स ठीक है तो एक्वेटिक एनिमल्स में पिगमेंट्स को फाउंड करते हैं आंसर है हमारा आस्था जैन थी फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल ठीक है तो इसका आंसर हमारा, है हमारा ए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेजिटेशन ऑफ सेलाइन वाटर्स ठीक है सेलाइन वाटर्स वेजिटेशन क्या है सेलाइन वाटर्स का आंसर है हमारा मैंग्रोव्स, फिर है फंक्शनल प्रोटीन इज फंक्शनल प्रोटीन क्या है हमारे एंजाइम्स फिर हार्मोन क्या प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन प्रोड्यूस द सम स्टेरॉइड्स एंड सम प्रोटीन्स, फिर लेक इज फॉर्म्ड बाई लेक क्यों फॉर्म फॉर्म्ड है तो ऑक्सबाओलेक इज अ रिवर एक्टिविटी फॉर्म क्या होता था ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स क्या लिनोलेनिक एसिड्स ठीक है उसका नेक्स्ट है हमारा थर्मोक्लाइन और मेटा मेटालिमियन रिफोर्स टू आंसर है हमारा इसका लेयर ऑफ वाटर फिर प्यूफा विच रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल एंड कोरोनरी डिसीज तो जो प्यूफा होता है वो रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल एंड कॉरिनेरी को का आंसर आएगा हमारा इकोसेप्टोनिक एसिड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्वेरियम फिश में एक्सक्रीट्स अमोनिया इन द रेंज ऑफ आंसर है इसका जीरो पॉइंट थ्री टू तो जी फोर पॉइंट जीरो ग्राम पर केजी फिश पर डे नेक्स्ट है लेंथिकबिटॉट डिनोट्स लेंथिक लेंथिकबिट्स तो इनको डिनोट्स करते हैं स्टैगनेंट वाटर एंड स्टैंडिंग वाटर से ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फिश कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स ठीक है तो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स तो तीनों करते हैं मेलपटीरियस नार्सिनो टर्पिडो ठीक है ये तीनों फिश स्पीसीज जो हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्म करते हैं ठीक है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेक्स्ट नेक्स्ट बिल्डिंग फिश तो नेक्स्ट बिल्डिंग फिश कौन है आंसर है हमारा प्रोटोपटेरस नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर ब्रीदिंग ऑर्गन ठीक है एयर ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है कौन सा आंसर आएगा बक्कोफेरिक्स फिर नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग मैचुरेशन इन ओवरी द ऑकर्स आर रेडी फॉर स्पॉर्निंग स्टेज नंबर सेवंथ फिर है स्विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाई अ गैस और स्विम ब्लैडर तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ देस्पिरेटरी हाइड्रोस्टिक्लाइडर की जो परफॉर्म करती हैं फिर है एग्जाम्पल ऑफ लेंथिक हैबिट लेंथिक हैबिटाट्स का एग्जाम्पल क्या है पॉइंट्स लेक्स एंड स्वेम्स ठीक है ऑल ऑफ दी फिर द फीडिंग हैबिट ऑफ हेट्रोन इज जो हैट्रोपनेस्टस होती है उसके फीडिंग हैबिट्स क्या हैं तो आंसर कार्निबोरस फिर द टाइप ऑफ फूड इंजेस्टेड एट द टाइम ऑफ कैरी सिटी इज नोन एज ठीक है जो टाइप ऑफ फूड्स होते हैं उनकी इंडस्ट्री जो टाइम ऑफ स्केरिसिटी होती है उसको हम किस नाम जानते हैं आंसर हमारा ऑब्लिगेटरी फूड सॉरी फिर लाइमिंग ऑफ द पॉन्ड इज डन टू पॉन्ड की लाइमिंग हम क्यों करते हैं उसकी ऑक्सीजनेशन को इंक्रीज करने के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के किल द पैरासाइट्स एंड रेस बी एच ऑल ऑफ आंसर आएगा हमारा सेकेंड नंबर वाला ठीक है फिर आता है फेरोमोन्स आर सिक्रीटेड बाई फेरोमोन्स जो होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं क्लब सेल्स को फिर द स्केल्स प्रेजेंट ऑन दी बॉडी ऑफ कैट फिश और दी टाइप जो इस आ, कैट फिश के जो बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं कॉस्मोइड्स भी हो सकते हैं गेनॉइड्स भी हो सकते हैं प्लेकॉइड्स भी हो सकते हैं आंसर आएगा मतलब तो, ये तो तीनों में से कोई भी नहीं होते हैं सॉरी नॉन ऑफ दी है फिर है डीपेस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक ऑन द वर्ल्ड कौन सा है बैकाल लेक ठीक है फिर एनॉर्बिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इन एनॉर्बिक रेस्पिरेशन जो वो होता है वो इन्वॉल्व होता है कहे में क्लाइकोलिस में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द द फंक्शन ऑफ लेटर लाइन इज रिलेटेड टू तो? आंसर है उसका बोथ ऑफ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन द साइंस डीलिंग विथ द वेरियस सिस्टम ऑफ इन वाटर यूजली फ्रेश वाटर इज कॉल्ड आंसर है लिम्नोलॉजी फिर है द फाइन टेक्स्चर ऑफ फिश मसल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेजन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम ठीक है एंजाइम्स कौन नहीं है हमारा इंसुलिन फिर है फाइटो कंटेन सी रेस टू एन रेस टू पी इन द रेशियो ऑफ हंड्रेड रेस टू सेवेंटी वन सॉरी टू पॉइंट फोर नेक्स्ट देखते हैं हम द शेप ऑफ द लेंस फाउंड इन फिशेज ठीक है तो इस जो लेंस सेप ऑफ लेंस होता है फाउंड फिशेज में क्या फाउंड करता है आंसर स्पेरिकल टाइप्स फिर है द सेल्स प्रेजेंट इन इन पिट्यूटरिक लेंस आर प्रोलैक्टिन प्रो ग्रेंडो गोनेटो बोथ ऑफ दी एबव नन ऑफ दी तो इसका आंसर आएगा हमारा बोथ ऑफ दी एब फिर है एबंडेंट ब्लूम्स एबंडेंट ब्लू फ्रेगेरिया ओशन इज इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फिश तो इसका आंसर है हमारा सार्डिन फिर है द नंबर ऑफ लेट बाई फिश इन दॉनिंग सीजन इज कॉल्ड उसको हम बोलते हैं क्या फिकन फिर है फुल्ली मैच्योर स्टेज ऑफ ओवम इथ सेवन ठीक है फिर है द मिल्क प्रोड्यूस बाय बेबी पैरस फिश इज नोन एज अ तो इसका आंसर आएगा हमारा यूट्राइन मिल्क फिर नेक्स्ट द फिश फेमस ऑफ पेरेंटल केयर इच मत पेरेंटल केयर के लिए कौन सी फिश फेमस है आंसर हमारा हिपो फिर अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन फिशेस, ठीक है तो इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है सेंसरी ऑर्गन क्या नहीं है तो यहाँ पे कोई भी नहीं है आंसर आएगा हमारा नन ऑफ और फिर कंसीडर द द स्टेटमेंट इन ओशन तो ऑप्शन है अपने पास ओशियन वाटर हैव रिस्ट्रिक्टेड फोना इनलैंड वाटर है फोना ऑफ देंट तो इस दोनों स्टेटमेंट आर क्या है इसके करेक्ट हैं ओके फिफ द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलोब्रेशन इन फिश आर कॉल्ड तो जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैलोब्रेशन फिशेज उसको हम बोलते हैं एरेथ्रोफोर्स मिलेनोफोर्स जैंथोफोर्स ऑल ऑफ दी एवब आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ दी एवब ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं द हारमोन सिक्रेटेड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड आर जो हारमोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रेट करता है कहाँ से एस टी एच और जी टी एच ऑक्सीटोशन ऑल ऑफ द एवअप तो आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ द एवअप द एग्जाम्पल्स ऑफ ओवी पैरस फिशेस आर जो ओवी पैरस फिशेस होती है किसका एग्जाम्पल्स है कार्प्स एंड गोल्ड फिश का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं कि जो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर्स इन विच लेंथिक सीरीज इवॉल्व ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है बी लेक्स पॉइंट्स बैक्स एंड शैम्प्स ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंटल केयर इज़ शोन बाय तो जो पेरेंटल केयर कौन शो करता है सभी शो करते हैं फाइटिंग फिश शो होती है एमिया प्रोटोपटेरस ऑल ऑफ दब ठीक है फिर विच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉलोइंग कम्स अंडर लेंथिक सीरीज तो इसका आंसर आएगा हमारा स्ट्रीम्स फिर इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ ओशियनिक वेव ओशियनिक वाटर ओशनिक वाटर्स के लिए आंसर हमारा सैगिटा एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रेड टाइड इज कॉस बाई रेड टाइड किससे कॉज करती है आंसर हमारा डायनोफ्लैजिट्स फिर आई फंक्शन ऑफ पीनियर ग्लैंड इंक्लूड्स पीनियर ग्लैंड इंक्लूड्स होता है कहाँ इसका है secretion, secretion, so इसका आंसर आएगा फोटो रिसेप्शन गोनेटोट्रॉपिन सिक्रेशन मेलाटोनिन टन सिक्रेशन ऑल ऑफ दी एवब सो इसका आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ दी एवर फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है कौन सा लीवर फिर है एंडो एम्ब्रियनिक डेवलपमेंटल स्टेज इन फिश इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज कौन सी है हमारी क्लीवेज ब्लास्ट्रोला एंड गैस्ट्रोला ऑल ऑफ दी एवर ठीक है उसके बाद हमारा यूट्रोफिकेशन इज अ फिनोमिना वेयर देयर इज यूट्रोफिकेशन एक फिनोमिना किसका आंसर है हमारा ओवर एवेंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स का फिर है द फिफ्टी टू एशियन मिनिस्टर मीटिंग ए एम एम फिफ्टी टू टेकन प्लेस बैंकॉक ठीक है नेक्स्ट so, क्वेश्चन है विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज बीन ऑनर्ड विद भारत गौरव अवार्ड तो इसका आंसर हमारा कपिल देव फिर Who has become the first cricketer to reach 1000 runs, 100 wickets in T20s? So, Alice Perry. Which city has been named uh, world's best student city in the QS Best Student Cities ranking? London. So, next question What is the theme of the 2019 edition of the World Day Against Trafficking in Person? तो इसका आंसर है हमारा ह्यूमन ट्राफिकिंग कॉल और गवर्नमेंट टू एक्शन फिर हु वॉन्ट द आई बी सी टू थाउजेंड नाइन्टीन इंटरनेशनल ऑनर ऑफ ऑनर फॉर एक्सीलेंस तो इसका आंसर आएगा हमारा डी एन डी सैरकिस फिर द इनोवेशन ऑफ क्लीन एयर आई एफ सी बीन लॉन्च बाई इंडिया एंड विच कंट्री इन बेंगलोर तो आंसर है इसका यूके फिर है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च इनोवेशन सेंटर ए सी आई सी न्यू डेली तो आंसर आएगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सो नेक्स्ट पे देखते हैं हम सॉरी फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द नेशनल इज सिक्योरिटी गार्ड नेशनल सिक्योरिटी और एन एस जी वर्क अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री तो इसका आंसर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निकल जाइंट हैज पार्टनर्ड विथ अपोलो हॉस्पिटल टू फाइट कार्डियो तो इसका आंसर हमारा माइक्रोसॉफ्ट सो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमारे वीडियो पे बने हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में थैंक यू